हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स सेकंड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइस फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट आपको थोड़ी बोरिंग सी लग रही होगी इस सेम में, पिछले सेम के मुताबिक, एंड कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल पढ़ी ही नहीं होगी अभी तक। ठीक है, तो बस कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ के जाना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, तो बात करते हैं स्टार्टिंग से यूनिट नंबर वन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन कोलोइडल डिस्पर्जन, कोलोइडल डिस्पर्जन क्या होता है डिफाइन करना है। ठीक है, एंड राइट अबाउट द ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन। कोई सी तीन प्रॉपर्टी होती हैं, ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल। फिर ऑप्टिकल में आपकी चार होती हैं, काइनेटिक में चार होती है, इलेक्ट्रिकल में तीन होती हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा नहीं कौन कौन सी होती हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज गाइस, एक प्रॉपर्टी, कोई सी सिंगल प्रॉपर्टी भी 7 मार्क्स में आ सकती है और आती है। ठीक है, ध्यान रखना, तीन प्रॉपर्टियाँ कोई सी भी आ सकती है। एंड सेकेंड है डिफाइन द टर्म, यानी कि क्या टर्म्स, इलेक्ट्रोलाइट, पैप्टाइजेशन, कोवेजर्वेशन, प्रोटेक्टिव एक्शन। गाइस थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ब्रीफ में पढ़ लिया चारों को ही, क्योंकि चारों अगर कंबाइंड आ गई ना एक साथ तो 10 मार्क्स तक भी आ सकती हैं। ठीक है, एंड कुछ शॉर्ट नोट है जैसे डिस्पर्स सिस्टम, इंट्रैक्शन ऑफ कोलोइड क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, एंड यूनिट नंबर टू है, यूनिट नंबर टू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं यूनिट ही है। फर्स्ट है एक्सप्लेन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यूजिंग रियोग्राम मैकेनिज्म एंड एक्शन। गाइस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 10 मार्क्स में जनरली आता ही आता है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन एंड सेकेंड भी डिस्कस डिफाइन विस्कोमीटर, विस्कोमीटर क्या होता है, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ विस्कोमीटर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि जो भी हमारे विस्कोमीटर होते हैं, तीन तरह के दे रखे हैं हमारे सिलेबस में। एक है यूट्यूब, जिसको हम ओस्टवाल भी कहते हैं, यानी कि ठीक है, एंड सेकेंड है आपका, एक है हमारा रोटेशनल विस्कोमीटर। रोटेशनल विस्कोमीटर क्या होते हैं, और एक है फॉलिंग स्फीयर। तो फॉलिंग स्फीयर इजी है, एंड फर्स्ट वाला ओस्टवाल वाला भी इजी है, और रोटेशनल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसके अंदर हम आपको दो पढ़ने होते हैं। एंड गाइस ये देखा गया पिछले सालों में, रोटेशनल विस्कोमीटर अकेला ही आया है 7 नंबर में। ठीक है, तो आप जरूर से तीनों विस्कोमीटर पढ़ लेना अच्छे से। थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन थिक्सोट्रॉपी एंड एप्लीकेशन इन डिपोट इंजेक्शन। यानी कि थिक्सोट्रॉपी का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थिक्सोट्रॉपी। मैंने बताया ना आपको, सेकंड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें सेकंड यूनिट से। ठीक है, थिक्सोट्रॉपी पढ़ लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑफ हेक्कल इक्वेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड रियोग्राम। ये कुछ शॉर्ट नोट है, मतलब डेफिनेशन पढ़ना है आपको इनकी, हेक्कल इक्वेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है और रियोग्राम क्या है। ओके, फिर आते हैं नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड न्यूटोनियन सिस्टम। आप बस एक जनरली 4 या 5 लाइन याद करने हैं इनके बारे में। ओके, फिफ्थ आता है आपका प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये तीन ऊपर के। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना है बिल्कुल भी। गाइस अब आ जाती है हमारी यूनिट नंबर थ्री, जो कि कुछ बच्चों की फेवरेट यूनिट भी होगी, क्योंकि इसमें हमको कुछ नहीं पढ़ना, सस्पेंशन इमल्सन पढ़ना है, जो हमने बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें डिफाइन सस्पेंशन, इन्यूमरेट द डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड इट फॉर्मुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है सस्पेंशन वाला। ठीक है, आपको फर्स्ट सेम में भी देख लिया, इस सेम में भी देख लेना, फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड में डिफरेंस भी आता है, क्योंकि सस्पेंशन बिल्कुल ना छोड़ें। एक ये, सेकेंड इमल्सन, डिफाइन इमल्सन एंड डिटेल नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, यानी कि स्टेबिलिटी और इमल्सन ऑफ बतानी है। ठीक है, एंड एक आता है इसमें थ्योरी ऑफ इमल्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, थ्योरी ऑफ इमल्सन, इमल्सन एंड सस्पेंशन, तीन क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं। एक ये शॉर्ट नोट है, कुछ याद कर लेना, HLV, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन एंड टाइप ऑफ इमल्सन। ठीक है, तीन क्वेश्चन है छोटे छोटे से देख लें, बट आप इन तीनों को जनरली बहुत बड़े में देखते जाना। गाइस अब बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर फोर की। फर्स्ट क्वेश्चन होता है डिफाइन माइक्रोमेरेटिक्स, माइक्रोमेरेटिक्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए, यूनिट का नाम ही है यार। फिर राइट डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया, मतलब पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया के डिटर्मिनेशन मेथड। तो जनरली पार्टिकल साइज के ही आते हैं, सरफेस एरिया के भी देख लेना। तो इसमें एक आता है आपका मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड को कहते हैं हम एंड्रेशन एपरेटस मेथड। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, हर साल। ठीक है, एंड्रेशन एपरेटस देख लेना जरूर से। एंड थर्ड सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ड्राइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर एंड एप्लीकेशन। ड्राइव प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर यानी कि क्या प्रॉपर्टी, जैसे बल्क सिटी, डेंसिटी, पोरोसिटी, बल्किनेस, कुछ फ्लो प्रॉपर्टीज हो गई पाउडर की। तो गाइज हर बार ही आता है ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। ठीक है,
ये शॉर्ट नोट आ जाता है एडजॉर्प्शन मेथड, एंगल ऑफ रिपोज, पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देख लेना एक बार। बट ये दो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, एंड्रेशन एपरेटस एंड ड्राइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। ओके, अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की, जो कि इसमें से दो या तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूट द एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। गाइस आपको बताने एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, और इसके मतलब जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होते हैं इसके एक्सपायरेशन में क्या रोल होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आएगा ही आएगा, गारंटी है आएगा। ठीक है, सेकेंड आ जाता है आपका डिस्कस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि फैक्टर इन्फ्लुएंस जो भी हमारी केमिकल डिग्रेडेशन होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, उसको क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो बताना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड आता है डिफाइन एंड गिव इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग सेल्फ लाइफ, हाफ लाइफ फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये गाइस इसमें थोड़ी इक्वेशन वगैरह आ जाती हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, देख लेने एक बार। फोर्थ है मेथड टू डिटरमाइन द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, छोड़ भी जाना कोई दिक्कत नहीं इसको। मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको भी रहने देना क्योंकि मेथड है गाइस, ये कोई नहीं पढ़ाता मेथडों को। ओके, तो गाइस ये बहुत कम क्वेश्चन बताए मैंने इसमें, बट ये भी कर गए ना आप, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके, क्योंकि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, कम से कम इन चारों यूनिट में दो दो क्वेश्चन हर यूनिट में ऐसे हैं जो आने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेना। और एक इसमें एक हॉसनर रेशियो आता है, हॉसनर रेशियो, ठीक है, हॉसनर रेशियो 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा आधा है, चांसेज हैं आ जाए इसका। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू एंड तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर से चेकआउट कर लेना उसको। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।